सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोज मोबाइल में। और आज की वीडियो में गाइस अपन बात करने वाले हैं एक और नई कस्टम रोम लेके हैं भाई आप सबके लिए यहाँ पे। और दोस्तों जो कस्टम रोम अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है भाई यहाँ पे ऑक्टावी ओएस, जो कि भाई वनीला वाला बेस एंड्रॉइड बेस भी आपको रोम मिलती है एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल गूगल एप्स वाली भी मिलती है। बट मैंने वो वनीला वाली मैंने दोस्तों करी, उसमें कुछ इतना कुछ खास था नहीं तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ओरिजिनल वाली करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो जी एप्स वाली फ्लैश करी है। तो आपको दोस्तों अगर आप आपके ऊपर आपको कौन सी करनी है, मैंने जी एप्स वाला और वनीला वाला में इतना कुछ खास डिफरेंस देखा नहीं, गूगल एप्स भले नहीं थे बट स्टिल वो स्टोरेज एंड ऑल सारी परफॉर्मेंस उसकी सेम थी। तो मैं यहाँ पे इसलिए एक ही रोम का रिव्यू कर रहा हूँ जो कि जी एप्स वाली है, क्योंकि अफकोर्स सी बात है जी एप्स के बिना कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ भाई यहाँ पे क्या खास चीजें हैं इसकी। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आपको इस रोम में क्या चीजें मिल जाती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका बूट एनिमेशन दिखा देता हूं। यहाँ पे दोस्तों आपको इसका बूट एनिमेशन देखने को मिल जाए, लॉक स्क्रीन आपको इसकी थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टाइम वगैरह, यहाँ पे नीचे फ्लैश और क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले तो अपन चलते हैं सेटिंग्स में जो कि अपना अल्टीमेट चीज रहता है एंड यहाँ पे भाई चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन में। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एंड्रॉइड वर्जन, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑक्टावी का फिलहाल तो 4.4 मिल रहा है, अनऑफिशियल एंड्रॉइड वर्जन 13 है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट देखें तो 5 मई का मिल जाता है आपको 2023 का। और यहाँ पे जो कर्नल है रेड क्लिफ वाला दिया गया है, कर्नल अच्छा है दोस्तों यहाँ पे ये वाला की वही कर्नल अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है। बैटरी बैकअप भी मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस कि ये रोम्स बैटरी बैकअप क्यों नहीं दे रही हैं। बाकी मैंने और रोम्स वगैरह जो देखी उनका मेरे को बैटरी बैकअप वगैरह काफी अच्छा देखने को मिला, स्पेशली MIUI 14 मैंने जो चलाई मेरे को उसका बैटरी बैकअप अच्छा लगा, बट मेरे को इसका बैटरी बैकअप इतना कुछ खास लगा नहीं। आगे चलते हैं गाइस और नेक्स्ट चीज की बात करी जाए और स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों हम। तो स्टोरेज के मामले में दोस्तों इसने सिस्टम ने पहले से 15 GB कंज्यूम करके रखा है गाइस, बहुत ज्यादा ये कंज्यूम कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत क्या है। खैर कोई बात नहीं, इसने इतना लेके रखा हुआ जो कि अब सब नॉर्मल है। एंड यहाँ पे बैटरी दिखा रही है अबाउट 23 hours 38 minutes लेफ्ट, बट मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता क्योंकि फोन मैं चलाते चलाते दोस्तों काफी ज्यादा बैटरी जा रही है मेरे तो यहाँ पे सामने ही, जब भी बैटरी का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम है स्टिल बैटरी बहुत जल्दी जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज की बात करी जाए गाइस, यहाँ पे स्टोरेज ही हो गई। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों अपन प्ले स्टोर की बात कर लेते हैं। तो प्ले स्टोर यहाँ पे दोस्तों डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड ही देखने को मिल रहा है एज ऑलवेज, है ना, यहाँ पे दोस्तों प्ले स्टोर सर्टिफाइड देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट और बताऊंगा कैमरा, तो आपको यहाँ पे भाई ये वाला घटिया सा वो कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि मैं तो ऑफकोर्स नहीं बोलूंगा। जी कैम आप इसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा और जी कैम के मजे उठा सकते हैं, या फिर आप Xiaomi वाला कैमरा अगर आपको मिल जाए तो आप वो इंस्टॉल करिएगा उसके मजे उठाइए। और नेक्स्ट चीज की बात करते हैं दोस्तों आते हैं डायरेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि इसमें और ज्यादा कस्टमाइजेशन तो दोस्तों एज ऑलवेज जो उसमें ऑक्टावी के लैब में रहती है स्टेटस बार, क्विक सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, ऑक्टावी थीमिंग, वॉल्यूम पैनल वगैरह भी है यहाँ पे भाई आपको जैसे करना हो, नेविगेशन मेन्यू अपन नेविगेशन मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं, गेस्टर्स वगैरह हो गए यहाँ पे आपको गेस्टर चाहिए, पावर मेन्यू, लॉक स्क्रीन, मिसलिनियस वगैरह सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ हो गई भाई। अब नेक्स्ट आते हैं और उसके अलावा आती परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बताऊं तो परफॉर्मेंस स्कोर आपको मैं दिखा देता हूं, एंड्यूटो बेंचमार्क स्कोर यहां पे मिला है 3,62,000 जो कि नॉट बैड अच्छा है। सीपीयू का स्कोर है 1,24,000, जीपीयू का 60,000, एमईएम का 73, यूएक्स का 1,00,000 आया है। 1.9 डिग्री सेल्सियस इसमें इंक्रीमेंट हुआ था। बैटरी ड्रेन देखेंगे उस टाइम पे 7% ड्रेन हुई थी जो कि उस टाइम पे सही थी, बट उसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन मेरे को देखने को मिली नॉर्मल यूसेज पे ही। एंड यहाँ पे आपको ये वाली कोई गैलरी देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सीपीयू टोटल स्कोर। तो यहाँ पे दोस्तों 11:21 मैंने चालू करा था, बैटरी टेम्परेचर 35.2 डिग्री सेल्सियस था, 46% बैटरी थी। एंड उसके बाद भाई यहाँ देखें 11:32 तक चला है 10.5 मिनट तक, एंड यहाँ पे 44% बैटरी आ गई थी, 2% ड्रेन हुई, अच्छी बात है 10 मिनट में। और यहाँ पे भाई 1.80 GHz बेस था, यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक था 2.20 GHz, मैक्सिमम देख सकते हैं 1,51,000 का आया, एवरेज 150 आया, मिनिमम 140 आया, जो कि इसको परफॉर्मेंस का जो स्कोर है दोस्तों काफी अच्छा आया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, 44 डिग्री सेल्सियस चला गया जो कि काफी ज्यादा है, बट कोई ना इतना हैंडल करा जा सकता है दोस्तों।
तो ये दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से हो गया भाई, यही सारी इसमें है और कुछ इसमें कुछ खास चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। इसके सारे आप दोस्तों आप अपडेट कर लीजिएगा, प्ले स्टोर वगैरह सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। मैंने दोस्तों इनमें इन कस्टम रॉम्स में गेमिंग अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यार सबका पहले तो स्कोर चेक कर रहा हूँ कौन सी रॉम कस्टम रॉम कैसा आ रहा है। एंड गेमिंग वाला दोस्तों एक मैं अलग से अरीना लाऊंगा जिसमें मैं सारी कस्टम रॉम्स का मतलब जिसमें बेस्ट स्कोर मिलेगा भाई, मैं उसमें गेमिंग करके दिखाऊंगा आपको, भले वो MIUI की रॉम हो या फिर एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड हो, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10, सारी कस्टम रॉम्स का दोस्तों रिव्यू मिलेगा। तो सारी जानकारी भाई आप मेरे चैनल पे जाओ गाइस, पोको X2 की एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारी फाइल्स वगैरह की लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पे मेनली आपको सबकी लिंक मिल जाएगी, भले GCam हो, NextG ऐप चाहिए, फाइल्स की लिंक चाहिए, जो फाइल चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसमें सबकी लिंक मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक हर चीज की लिंक देकर रखी है, आप वहां से मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।